नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त शिवराम परिडवाल, आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल होम विथ हेरिटेज में। और मैं आपको आज जो दिखाने लेके आया हूं, उस प्रॉपर्टी का नाम है रियासत गोविंदम। इस प्रॉपर्टी को मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकता हूं, जस्ट बिकॉज कोई भी क्लाइंट जो परचेजिंग करता है वो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर करता है, लाइक यहाँ पर नियर बाई मार्केट कहाँ है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आसपास बसावट कितनी है। दोस्तों, ये वो प्यारा प्रोजेक्ट है जो कि आपकी सिटी से नियर बाय भी हो गया, रिंग रोड से लगभग 5 किलोमीटर अंदर है। सांगानेर, प्रताप नगर, वाटिका, मदरामपुरा, मोहाणा, इन सभी ग्रामीणों से रिलेटेड जो भी पब्लिक हैं, जो भी आप लोग हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अप्रोचेबल है। बाकी इन्वेस्टमेंट हो या इंडिविजुअल हो, हमारी प्रॉपर्टी सभी के लिए बेहतर होती है, बराबर सी होती है। मैं बता दूँ, रिसेंटली जिस प्रॉपर्टी में मैं खड़ा हूँ, इसका नाम है रियासत गोविंदम। और यह प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इस प्रॉपर्टी का। इसका प्लस पॉइंट ये रहा कि इसमें बीच में जो खेत था वो भी कंपनी ने परचेज किया और इसकी साइजेस बढ़ गई है। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि नियर बाय में काफ़ी अच्छी बसावट दी हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपको इस रोड के द्वारा मिल जाएगा। ये सांगानेर से वाटिका को जाने वाला रास्ता है और नियर बाय में लगभग 3 किलोमीटर लंबा गोविंदपुरा का मार्केट है, मिल जाएगा। ये तो हो गया इसकी कनेक्टिविटी और सुविधाएँ और परचेजिंग करने के बेस्ट बेनिफिट क्या रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है। आप मेरे सामने जो एंट्री गेट देख रहे हो, इस पे आपने देखा सामने गार्ड रूम दिया हुआ है जो कि एज इट इज मेरे सामने है। दोनों तरफ बूम बैरियर है एंटर और एग्जिट पे। सीसीटीवी कैमरा का प्रावधान हमारे सभी प्रोजेक्टों में रहता है और बूम बैरियर्स भी दिए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे बीच में ब्रेकर बनना बाकी है जो अभी हम प्लानिंग में है और वो तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको प्रॉपर्टी को अंदर से व्यू करवाता हूँ। प्रॉपर्टी में एंट्रेंस के लिए दिया हुआ है 40 फीट का रोड, उसके पास ही में दिया हुआ है लगभग 3-3.5 फीट चौड़ा, ये एक फुटपाथ सा दिया हुआ रहता है। इसमें हमारा अंडरग्राउंड डेवलपमेंट जो होता है वो सारा रहता है। अंडरग्राउंड डेवलपमेंट में हम लोग देते हैं सिविल लाइंस देते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग देते हैं, इलेक्ट्रिफिक कनेक्शन देते हैं और रेन वाटर का जो बनाया हुआ रहता है छोटा सीवरेज, वो भी हम इसी में देते हैं। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिफिक कनेक्शन दिए हुए हैं रोड लाइट्स के, ये दिए हुए हमने सौर ऊर्जा के द्वारा। सौर ऊर्जा से ये चार्ज होते हैं, सौर ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रिफिक कनेक्शन रहते हैं ताकि नॉन मेंटेनेंस प्रॉपर्टी का रहे, मेंटेनेंस कम से कम रहे। इसके ऊपर कंपनी पहले से प्लान की हुई रहती है, लाइक वाटर हार्वेस्टिंग इसीलिए किया जाता है ताकि कंपनी के जो बोरिंग किया हुआ है, जो वाटर कनेक्शन हम दे रहे हैं, उसका जल स्तर कम ना हो। रोड लाइट में हम सिविल इसका सौर ऊर्जा का यूज़ करते हैं और जो हम टाउनशिप के अंदर रोड देते हैं वो भी टाइल्स रोड रहते हैं। रीज़न, ये इजी टू मेंटेन है और इसमें एक स्पंज सिस्टम भी होता है जिसमें हम कहते हैं कंक्रीट इसके नीचे बिछाया हुआ है जिससे ये वजन पड़ने पे स्पंज होगी और फिर से अपनी गंतव्य स्थान पर आ जाएगी। टूट फूट के चांसेस कम होते हैं और फिर भी यदि किसी केस में प्रॉपर्टी के अंदर ये रोडें टूट जाती है तो टाइल्स रोड इजी टू मेंटेन है। एक कोई भी मजदूर टाइप का वर्क जो 1500 रुपये लेगा और पूरे दिन भर में सारी रोड को अच्छा कर जाएगा, तो इजी टू मेंटेन है, इसीलिए हम टाइल्स रोड का यूज़ करते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट, बरसात के दिनों में जो आप इस टाइल्स के बीच में जो धार से देख रहे हो, जो भी गैप्स हैं, इन गैप्स के द्वारा कंक्रीट में होते हुए पानी वापस जमीन सोख लेती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रोडों पर पानी भरने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सेकेंड प्लस पॉइंट, हम वाटर हार्वेस्टिंग रोड के किनारे देते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। डेवलपमेंट देने के बाद में जो अंडरग्राउंड का डेवलपमेंट रहता है उसके बाद में हम उस कॉरिडोर को इस तरह से ग्रीनरी कर देते हैं। कुछ बड़े पेड़ प्लांटेशन भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे सामने जो आप रोड देख रहे हैं, ये सांगानेर से वाटिका को जाने वाला रोड है, ये आपका प्रताप नगर से भी आता है यही रोड, और ये बहता हुआ रोड है। आज की डेट में काफ़ी अच्छा कनेक्टेड है ये, और इस एंट्रेंस को प्रॉपर्टी को हम यहीं से शो कर सकते हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से है। बहुत ही अच्छे व्यू रहेंगे इस प्रॉपर्टी के, बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे हैं इस प्रॉपर्टी के, और अप्रोचेबल है, कम बजट में बहुत ही प्यारी चीज़ है। ब्लॉक वाइज इस प्रॉपर्टी को 3 डिवाइडेशन किए हुए हैं, रियासत गोविंदम का मेन, रियासत गोविंदम का ए ब्लॉक और रियासत गोविंदम का बी ब्लॉक। रिसेंटली हम जो खड़े हैं 100 फीट रोड से कनेक्टेड, ये रियासत गोविंदम का बी ब्लॉक है जिसमें लगभग 15 से 20 प्लॉट इधर दिए हुए हैं और 10 से 15 प्लॉट लेफ्ट एंड पे दिए हुए हैं। तत्पश्चात वो आप सामने मेरे वाटर टैंक देख रहे हो, वहाँ पर हमारा रियासत गोविंदम का ए ब्लॉक है और मेन ब्लॉक है। मैं आपको उसको अंदर से दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरे सामने जो इस वक्त आप देख रहे हो, ये रियासत गोविंदम का मेन और ए ब्लॉक है। ये वाली प्रॉपर्टी कंपनी ने परचेज की है जो कि आप बाउंड्री वॉल के इर्द गिर्द देख रहे हो। सामने जो आपने देखा था एंट्रेंस पे, वो बी ब्लॉक था। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है बीच वाला ब्लॉक, इसलिए थोड़ा डेवलप कम है, आपको कुछ ही दिनों में ये भी डेवलप अच्छा खासा दिख जाएगा। अब मैं आपको रियासत गोविंदम का मेन और ए ब्लॉक नियर बाय से दिखाता हूँ सुविधाओं के साथ। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, रियासत गोविंदम का मेन और ए ब्लॉक से जो एंट्री दी हुई है वो सामने दी हुई है, वहाँ पर भी एक गार्ड का रूम दिया हुआ है और 60 फीट रोड से उसकी एंट्री है। और एक प्लस पॉइंट बताऊँ दो कस्टमर्स,
पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर कस्टमर। ये आपने 40 फीट रोड की एंट्री देखी, आप एज इट इज इसी 40 फीट रोड की एंट्री से सीधे जाएंगे, एक एल लगेगा और फिर से वापस रियासत गोविंदम के बी ब्लॉक में, मतलब वाटिका रोड वाला, मतलब सांगनेर से वाटिका जो रोड जाता है उस रोड से लेके 100 फीट रोड से इस टाउनशिप की एक बी ब्लॉक से और ए ब्लॉक तक आरम पार की एक एंट्री दी हुई है, जो कि प्रॉपरली एग्जिट और एंट्रेंस के लिए रहेगा। दोनों गेट के ऊपर गार्ड रहेंगे और 100% अभी भी गार्ड बैठे हुए हैं और अपने हिसाब से तैनात हैं। सिक्योरिटी विजन प्रॉपर्टी का बहुत प्यारा रहता है, शुरू से ही जब हम प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तब से हमारे गार्ड रहते हैं। टाउनशिप का मेंटेनेंस कस्टमर के ऊपर नहीं रहता है, वो हमारी तरफ से और कहीं ना कहीं एक सोसाइटी फंड के द्वारा दिया हुआ सोसाइटी के द्वारा मेंटेनेंस आसानी से हो जाता है, वो आपको 0% मेंटेनेंस के साथ मिलता है। रजिस्ट्री के कोई चार्जेज नहीं है, ब्रोकरेज के कोई चार्जेज नहीं है। आप मेरे सामने देख रहे हैं वाटर कनेक्शन, सिविल लाइन और ये जो आप बॉक्स देख रहे हो सामने, अभी नियर बाय से दिखा दूंगा मैं आपको, इनकी वजह से ही मैं ये कैसा कहता हूँ कि लाइट, पानी और सिविल लाइन की सुविधाएं हम डे वन से देते हैं। आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन, सिविल लाइन्स और वाटर कनेक्शन देख रहे हैं, वो वाटर टैंक सामने बना हुआ है, नियर बाय से अभी दिखाऊंगा मैं आपको। बस यही कारण है कि मैं बोलता हूँ डे वन से लाइट, पानी, सिविल लाइन की सुविधाएं हैं। रजिस्ट्री के कोई चार्जेज नहीं है, ब्रोकरेज के कोई चार्जेज नहीं है, मेंटेनेंस के कोई चार्जेज नहीं है। बताओ, JDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी और वो भी इतने प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ में। डेवलपमेंट भी बहुत प्यारा रहता है, इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, उसका भी मैं इसमें लिंक डाल दूंगा। सिविल लाइन्स के चैम्बर्स दिए हुए हैं और एंट्रेंस पे ही एक फैसिलिटी जोन है या यूटिलिटी जोन के अंदर सिविल लाइन का ट्रीटमेंट प्लांट भी दिया हुआ रहता है, इसलिए ये यूजेबल भी है, आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। आपके मकान से इसकी कनेक्टिविटी दी हुई रहती है। काफ़ी प्यारे नज़ारे हैं प्रॉपर्टी के। अब एक बहुत ही प्यारी चीज़ बताता हूँ, जैसा मैंने कहा था बस आउट के बीच में हम प्रॉपर्टी के उस कोने से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो नीला जो एक टेंट सा बना हुआ है मकान सा, शायद वो मेन रोड फैक्ट्री है, वेयर हाउस कोई है, उसके जस्ट बगल से आप देखिए मकान स्टार्ट हुए हैं, बीच में फिर वो एक किसी की फैक्ट्री आ गई बगल में, फिर मकान है। ये बक्सावाड़ा योजना वाले प्लॉट हैं, गोविंदपुरा वाले प्लॉट हैं, आप देख रहे हो बाहर एक वाटर टैंक और अलग से दिया हुआ है, किसी और प्रोजेक्ट का है वो सामने वाला। आप ये देखिए आसपास की जो आप देखोगे ना प्रॉपर्टी का रेशो बना हुआ, तो आप कहोगे वाह यार बसावट के बीचों बीच में प्रॉपर्टी है, ऐसी जगह तो प्रॉपर्टी हमारी भी होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी हमारी वाली का नेचर बताऊँ मैं आपको, ऐसा मान लीजिए एक टापू है, टापू के आजू बाजू खूब मकान बने हुए हैं और जो सबसे बेस्ट लोकेशन है वही हमारा प्रोजेक्ट है। आसपास की लोकेशंस के, आसपास की बसावट के, आसपास के मार्केट से, आसपास की कनेक्टिविटी से सबसे बेहतर प्रोजेक्ट हमारा है आज की डेट में यहाँ पे। आपसे मेरी मस्टली रिक्वेस्ट है विजिट करें, उसके बाद में ही आप तय कर पाएंगे कि प्रॉपर्टी कैसी है। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं सामने छोटा सा चैम्बर सा जालीनुमा, ये बरसात के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। ये भी अंडरग्राउंड डेवलपमेंट में आता है, जो कि नॉर्मल कॉलोनीज में नहीं दिखाया जाता, ना ही दिया जाता है, हमारे यहाँ मिलता है। आप मेरे सामने देख रहे हैं भवन निर्माण संबंधित नियम, जो कि सारे लगभग 10 नियम हैं, इनके अकॉर्डिंग ही यहाँ मकान बनाया जाता है। आपका अड़ोसी पड़ोसी कभी भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा अगर वो इस नियम के अनुसार मकान बनाता है तो, और यदि इस नियम के अनुसार कोई मकान नहीं बनाता है तो हमारे साइड इंचार्ज भी दिए हुए हैं राहुल जी अरोड़ा, मोबाइल नंबर आगे दिया हुआ है। ये क्या करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी जब आप बनाते हो तो इनकी देखरेख में बनाते हो, डिमार्केशन इनके द्वारा होता है और सारी चीज़ सार संभाल के साथ में होती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपका प्लॉट एक इंच दबा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी आप बाउंड्री वॉल करें या ना करें लाइफ टाइम सिक्योर एंड सेफ रहेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। बॉन्डेड जो आप साइन करते हो एग्रीमेंट्स वगैरह, वहाँ पे भी आपको एक बुकलेट मिलती है, उसके अकॉर्डिंग भी आपके कई नियम्स फॉलो हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसी के द्वारा आप लोग यहाँ के सोसाइटी के मेम्बर्स भी बन जाते हैं। जो फर्स्ट कस्टमर होता है वो टाउनशिप का चेयरमैन या केलो या मुखिया मान लो, उसके बाद में जो बसते हैं वो लोग वहाँ के मेम्बर्स हो जाते हैं। इस तरह से प्रॉपर्टी का हमारा नेचर। आप मेरे सामने देख रहे हैं आवर हेड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, साथ ही में इनका जो इसको कंटिन्यूटी देने वाला इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो होता है जिसमें MC बॉक्स आदि से तोड़ते हैं, उसके लिए एक रूम दिया हुआ अलग से, इसी के द्वारा यहाँ की वाटर सप्लाई वगैरह सब होती है, वाटर बॉक्स बोल सकते हैं इसको हिंदी में। और ये आप नियर बाय का जो डेवलपमेंट देखोगे नीचे वाला, जहाँ अभी हार्डवेयर के सामान पड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के सामान पड़े हुए हैं, यहाँ से लेके बैक साइड तक पूरा पार्क है। एक किड्स प्ले एरिया और ओपन जिम का कॉन्सेप्ट सामने वाले पार्क में, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं एक बात क्लियरिटी के साथ कह देता हूँ कि हमारे डायरेक्टर सर्स के कुछ एथिक्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं हमारी कंपनी के, जिसके दम पे ही हम लोग इतना कन्फ्यूजन नहीं होते हैं और क्लियरली आपको हर चीज़ बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट का नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है। ग्रीनरी के नाम पर 1 लाख पौधे लगाए थे हमने,
गत वर्ष, इस साल फिर हम 1 लाख पौधे लगाने वाले हैं और फिर से हमारी प्रॉपर्टी गिनीज बुक में नाम आएगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे कई एथिक्स और कई नॉर्म्स ऐसे हैं कंपनी के जो अपने आप में प्राउड करने लायक कुछ चीज़ें हैं। जो डेवलपमेंट बताया जाता है वही दिया जाता है, JDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते हैं, 93 से अभी अबव प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर दिए जो कि JDA की क्वांटिटी के बराबर हो जाता है, काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सेल्स भी हमारी काफ़ी फास्ट है। कई कस्टमर्स कहते हैं कि आपके यहाँ प्रोजेक्ट बहुत जल्दी बिक जाते हैं। हाँ सर, हमारे प्रोजेक्ट वाकई में बहुत जल्दी बिक जाते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी रहेगी। अभी ये वो है जो केवल कंपनी की तरफ से डेवलपमेंट है। जिस दिन यहाँ मकानों की बसावट आएगी और इन मकानों के साथ में जब हमारे मकान भी दिखेंगे तो इस प्रॉपर्टी का नेचर सुपर से भी ऊपर वाला होगा। बहुत ही प्यारा रिजल्ट रहेगा। मैं आपको एक बार यहाँ का जो दिया हुआ है किड्स प्ले एरिया और ओपन जिम्स वगैरह कॉन्सेप्ट वो दिखा के लाता हूँ, फिर सेकेंड एंट्री से करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये ओपन जिम का कॉन्सेप्ट इसी वाले पार्क में दिया हुआ है। इस तरह के यहाँ पे 3 से 4 पार्क हैं, अलग अलग हैं। एक टेंपल के लिए पार्क दिया हुआ है जो स्टार्टिंग में था, डेवलप अभी ठीक से नहीं हुआ तो मैंने वीडियो में उसका नहीं लिया है क्योंकि ओनली वहाँ पे लैंड ही थी। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं ट्रांसफार्मर आ गए हैं, वायर्स आ गई है जो अंडरग्राउंड लाइट दी जाती है, वो वाली अंडरग्राउंड लाइटिंग का जो काम है वो चल रहा है। वायरिंग की जा चुकी है, ट्रांसमीटर सेट होंगे, MC बॉक्स सेट किए जा चुके हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट रहेगा। मैं आपको इसके सेकंड एंट्रेंस दिखा के वीडियो को विराम देता हूँ। ये टाउनशिप के ए ब्लॉक का एंट्रेंस है जिसको मैं सेकंड एंट्रेंस कहना चाहूँगा और बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहेंगे दोस्तों यहाँ के। अगर वीडियो में मुझसे कुछ गलत बोल दिया गया हो या कुछ डिटेल ढंग से नहीं दी गई हो तो माफ़ी चाहूँगा, और डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी डालूंगा। कुछ डिटेल आपको चाहिए हो तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, केवल वीडियो आप तक पहुंचाना ही मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है वीडियो आप देखें और आप ये जज कर पाएं कि क्या ये प्रॉपर्टी मेरे लायक है, और वो बिना विजिट करे पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं, अगर आप प्रॉपर्टी का कुछ प्लान कर रहे हैं तो एक बार विजिट करने में कुछ नहीं जाता है, एक बार प्रॉपर्टी को विजिट कीजिए ताकि एक बेटर डिसीजन पर पहुँचा जा सके, प्रॉपर्टी को कंपेयर करने का ऑप्शन मिल सके, ETC जो भी कुछ आपकी प्लानिंग्स हो। मैं अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ दोस्तों। थैंक यू आप तक वीडियो बनाए रखने के लिए, और अगर हो सके तो इस वीडियो को किसी के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू ऑल।